वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम सिख गुरुओं के कुछ तत्वों को जानते हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी, उन्हें सिख धर्म का बानी भी कहा जाता है। दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने 22 स्थानों को स्थापित किया और सिख धर्म का खूब प्रचार किया। लंगर और पंगत प्रथा का विस्तार भी इन गुरु साहिब ने किया। चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने पवित्र सरोवर की खुदाई करवाई और इसके आसपास एक नगर को आबाद किया और उसका नाम रखा चक रामदासपुरा। उसके बाद गुरु साहब ने 52 तरह के अलग अलग कारीगरों और व्यापारी को यहाँ लाकर बसाया और आगे चलकर ये नगर श्री अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने सब गुरु साहब की विद्वानों की और सूफी फकीरों की वाणी को इकट्ठा किया और एक ग्रंथ श्री आदि ग्रंथ में कलम बंद किया और उसके साथ गुरु साहब ने सिखों के पवित्र स्थान श्री हरिमंदर साहब की उसारी की। छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिखों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और युद्ध नीति भी सिखाई। गुरु साहब ने 2 तलवारों को धारण किया, एक मीरी की और एक पीरी की। मीरी का अर्थ है राजनीतिक आगू और पीरी का अर्थ है धार्मिक आगू। गुरु साहब ने अकाल तख्त साहब की सृजना की। सातवें गुरु गुरु हर राय जी ने कीर्तपुर में एक सफा खाना की उसारी करवाई जो कि भारत का सबसे बड़ा दवाखाना था और इसके साथ उन्होंने गुरु नानक देव जी की सिखियाओं का प्रचार किया। आठवें गुरु गुरु हरकृष्ण जी ने दिल्ली में फैले भयानक चेचक रोग से ग्रस्त लोगों की सेवा दिन रात जी जान लगा कर की। इस दौरान उस बीमारी ने गुरु साहब को भी जकड़ लिया और 7-8 साल की उम्र में गुरु साहब ज्योति ज्योत समा गए। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, उन्होंने धर्म और जनेऊ की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान किया। दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानने का हुक्म दिया और खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सिंह और कौर का नाम दिया।